ओके नया यूनिट है, यूनिट 6। दैट इज अबाउट वीर के बारे में जो आपका 8वां चैप्टर है उससे कुछ टॉपिक रिलेटेड हैं। वेव क्या होती है, इसमें ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वेव क्या है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, टाइप ऑफ वेव, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, स्टेशनरी वेव, डॉपलर इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, ये टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। वेव किसे कहते हैं, ये कैरियर ऑफ एनर्जी है। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का सोर्स है, उसे हम वेव कहते हैं, और ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, पैदा कैसे होती है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। जब हम मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो वेव पैदा होती हैं। काम क्या है इसका, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करना। तालाब में पत्थर फेंका, वेव पैदा हुई, दूसरे एंड तक पहुंच गए। तो पत्थर फेंकने में जो आपने एनर्जी सर्व की है वो एनर्जी एक और जगह पहुंच गई, किसकी मदद से, वेव के ज़रिए। सूर्य से वेव हम तक आती हैं, एनर्जी लेकर आती हैं, तो जो सनलाइट है उसकी एनर्जी हम तक पहुंचती है किसकी शक्ल में, वेव की। तो वेव जस्ट कैरियर ऑफ एनर्जी है। वो कौन सी वेव है जो मोमेंटम भी शिफ्ट करती है, उसे मैटर वेव कहते हैं। मैटर वेव कौन सी होती है, वेव एसोसिएटेड विद वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ऐसी वेव जो पार्टिकल की वेव नेचर से पैदा होती है, जैसे हमने पढ़ा होगा डी ब्रॉगली में, एवरी स्मॉल पार्टिकल कैन बिहेव एज ए वेव। तो जब इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव कर रहा है, प्रोटॉन एज ए वेव बिहेव कर रहा है, इस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं, वेव एसोसिएटेड विद वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। दो किस्म की वेव है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव जिनके ट्रैवल करने के लिए मीडियम लाजमी चाहिए, विच रिक्वायर सम मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, दीज आर मैकेनिकल वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विदाउट मीडियम ट्रैवल करती हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये सारी की सारी ट्रांसवर्स होती हैं, लेकिन जो मैकेनिकल वेव हैं ये लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और ट्रांसवर्स भी होती हैं। मसलन ये मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स कौन सी हैं, वेव इन द स्ट्रिंग, वाटर वेव। जो वाटर सरफेस पे वेव पैदा होती हैं ट्रांसवर्स नेचर है, मगर वो मैकेनिकल हैं क्योंकि उनके लिए मीडियम दरकार है पानी। जो स्ट्रिंग में वेव पैदा हो रही हैं, स्ट्रिंग मीडियम है उसका, वो भी ट्रांसवर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, जैसे साउंड वेव है। साउंड वेव के चलने के लिए मीडियम दरकार है, मगर वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी। अब ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती हैं, फर्ज करें
ये कोई स्प्रिंग है, जिसका एक एंड फिक्स है और एक एंड फ्री है। अगर हम स्प्रिंग को ऊपर नीचे जर्क दें ऐसे, तो वेव आगे ट्रैवल कर रही है, मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। ऐसी वेव जिसमें वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन और पार्टिकल ऑफ मीडियम की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर हो, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वो ट्रांसवर्स है। अगर आप इस स्प्रिंग को खींच कर छोड़ दें ऐसे, ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा कर रहा है, तो इसमें वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल ऑफ मीडियम की डायरेक्शन पैरेलल होती है, जिसमें मीडियम के पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जिसमें मीडियम के पार्टिकल और वेव परपेंडिकुलर हों, वो ट्रांसवर्स वेव है। पढ़ा था ना ये वेव इमेज, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, एंड वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम आर इन द सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जितनी भी वेव हैं सिवाय स्टेशनरी वेव के, ऑल आर प्रोग्रेसिव वेव। All waves are progressive except stationary wave. सिवाय स्टेशनरी वेव के जितनी भी वेव हैं सारी की सारी क्या है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होती है? जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करे, इसे ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। जैसे आपने स्ट्रिंग है, एक एंड पर फिक्स है, आपने जर्क दी, ये एक वेव पैदा हुई, थोड़ी देर के बाद ये वेव यहाँ पहुँच जाएगी, थोड़ी देर के बाद ये वेव इस एंड पर पहुँच गई, तो ये वेव ट्रैवल कर रही है। जो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती रहे उसे क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव। ये जिस स्पीड से ट्रैवल करती है उसे वेव स्पीड कहते हैं, और वेव स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना वेव फासला तय करेगी उसे वेव स्पीड कहते हैं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये 1 लैम्डा होता है, एक वेव होती है, और एक वेव के गुजरने का टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड। अगर वेव ने डिस्टेंस 1 लैम्डा तय किया तो 1 लैम्डा तय करने में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड। तो ये इक्वेशन है वी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। टाइम पीरियड ऊपर चला जाए फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला भी होता है। तो जितने भी ट्रैवलिंग वेव्स हैं वो इस फार्मूले को ओबे करती हैं। ये वेव है, ठीक, ये अपर पोर्शन क्रस्ट, लोअर पोर्शन ट्रफ। ये ओ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ओ से लेकर डी तक एक वेव मुकम्मल हो जाती है।
अगर आप चेक करें ओ पॉइंट पर पाथ कितना है, पाथ से मुराद हम पाथ वेवलेंथ के फॉर्म में लेते हैं, यहाँ ज़ीरो पाथ है और यहाँ फेज़ भी क्या है ज़ीरो है, यहाँ स्टार्टिंग है तो हम टाइम भी ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब बॉडी ए पॉइंट पर पहुँची तो उसकी कितनी वेवलेंथ मुकम्मल हो गई, लैम्डा बाय फोर। ए पॉइंट पर पाथ कितना है, लैम्डा बाय फोर। यहाँ पर फेज़ कितना होता है, पाई बाय टू, 90 होता है, और यहाँ टाइम कितना लगता है, टी बाय फोर। यहाँ तक जाने में, क्योंकि एक वेव का मुकम्मल टाइम टी होता है और एक वेव का वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा, और फेज़ टोटल यहाँ तक कितने होते हैं, टू पाई। तो हम डिफरेंट पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, बी पॉइंट पे क्या होगा, पाथ कितना होगा, लैम्डा बाय टू, फेज़ कितना होगा, पाई, और टाइम कितना रहता है यहाँ तक आने में, टी बाय टू। सी पॉइंट को चेक करें, सी का लैम्डा बाय टू में मज़ीद लैम्डा बाय फोर जमा कर लें, थ्री लैम्डा बाय फोर, और यहाँ का थ्री पाई बाय टू फेज़ होता है, और टाइम कितना लगता है, थ्री टी बाय ठीक है। फाइनली डी पॉइंट पर आप ऐसा करें, लैम्डा बाय फोर लैम्डा बाय फोर या टी बाय फोर टी बाय जमा कर दें हर टुकड़े में। फाइनली डी पॉइंट का जो पाथ है वो लैम्डा मुकम्मल हो गया, और यहाँ पर फेज़ कितना होता है, टू पाई होता है, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड। फेज़ और पाथ में क्या रिलेशन होता है, फेज़ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस किसके बराबर है, 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस। सवाल आता है, अगर कहीं पर 5 लैम्डा बाय 2 है पाथ, तो वहाँ पर फेज़ कितना होगा, फेज़ आएगा पाई की शक्ल में, एंगल की शक्ल में, पाथ आएगा हमेशा लैम्डा की शक्ल में, लेंथ की शक्ल में। तो पाथ की जगह ये पुट कर लें, फेज़ डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई 5 लैम्डा बाय 2, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 5 पाई आ गया। तो अगर पाथ का पता हो किसी जगह, आप फेज़ मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर फेज़ डिफरेंस का पता हो तो आप पाथ मालूम कर सकते हैं। पाथ किसके बराबर होगा, पाथ का फार्मूला होता है लैम्डा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई फेज डिफरेंस। अगर पाथ की वैल्यू मालूम करनी है तो ये 2 पाई ओवर लैम्डा इधर आकर लैम्डा बाई 2 पाई बन गया। इसी को चेक कर लें, अगर फेज़ 5 पाई है, लैम्डा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई 5 पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, हुई 5 लैम्डा बाई 2 आ गया, तो पाथ वही 5 लैम्डा बाय 2 होगा। तो फेज़ डिफरेंस का पता हो पाथ मालूम कर सकते हैं, पाथ का पता हो तो फेज़। तो ये अक्सर सवाल इनमें से कोई ना कोई आता है, एक चीज़ बता देंगे दूसरी मालूम करनी होती है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये डिफरेंट वेव्स हैं, ये पहली वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है y1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है y2, तीसरी वेव का एम्पलीट्यूड है y3, अप टू सो ऑन, बहुत सी वेव आपस में मिल रही हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि जब डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वेव आपस में मिलती हैं
जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड को सम ऑफ कर लिया जाए तो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बन जाता है, ठीक है। मस्टन ये एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, इसमें एक वेव शामिल हो गई जिसका एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 5 होगा। अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, अब रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। जहाँ फेज का फर्क होता है, आउट ऑफ फेज है, वहाँ प्लस की बजाय माइनस होगा, 5 माइनस 3 2 बच जाएगा। किसके ज़्यादा हैं? ऊपर वाले, तो ऊपर 2 बचेंगे। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये होगा, कितना होगा? 2 के बराबर। तो अगर इन फेज हैं तो प्लस हो जाते हैं, आउट ऑफ फेज हैं तो माइनस होंगे, ठीक है। अगर ऐसे है ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर, अब क्या होगा? किसके बचेंगे बाकी? नीचे के 4 ज़्यादा हैं, तो आप स्टार्ट नीचे से करेंगे, ये 4 बच गए, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 4 होगा मगर नेगेटिव पोर्शन में। When two waves with same amplitude, same frequency, same wavelength move in opposite direction, जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ सेम होती है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हों, उनके मिलने से उनकी इंटरफेरेंस के नतीजे में जो वेव बनती है उसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये दो वेव्स हैं अपोजिट आ रही हैं, तो इनके मिलने से जो वेव बनेगी उसे हम स्टेशनरी वेव कहेंगे। ये किसकी शक्ल में बनती है? लूप की शक्ल में। तो ये एक ही जगह साकिन होती है, ना लेफ्ट को जाएगी ना राइट को जाएगी, इसे हम स्टेशनरी वेव का नाम देंगे, ठीक है। ये कब बनती है? जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। मसलन एक वेव ये थी, ये इधर जा रही थी, दूसरी वेव ये थी, ये इधर आ रही थी। दो वेव जब अपोजिट आ रही हैं तो जो लूप की शक्ल में वेव बनती है इसे क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ट्रैवलिंग वेव नहीं है, साकिन है, और ना ही इससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। वेव की डेफिनेशन में क्या कहा था कि ये वो वेव्स है, वेव का काम क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। मगर स्टेशनरी वेव कभी भी एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती। वजह क्या है? क्योंकि जहाँ नोड बनता है यहाँ इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, तो यहाँ पर एनर्जी 0 हो जाती है, आगे शिफ्ट नहीं होती। विद इन लूप तो एनर्जी होती है मगर एक लूप से दूसरे लूप तक शिफ्ट नहीं हो सकती। इसको चेक करते हैं, फर्स्ट एक स्ट्रिंग है, उसको हमने सेंटर से प्लग किया जिसकी लेंथ L के बराबर है। सेंटर से प्लग किया तो एक लूप बन गई,
लूप के दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ एम्पलीट्यूड मिनिमम है उसको नोड कहते हैं, जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे एंटी नोड कहते हैं। नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होता है, जबकि नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई फोर होता है। एक नोड से दूसरे नोड तक फासला लैम्डा बाई टू होगा, जबकि नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई फोर होता है। ठीक है, ये एक लूप है, ऐसे बहुत सी लूप बन सकती हैं। ये कितने लूप हैं? एक दो तीन चार पाँच। इसमें नोड कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स नोड हैं। अगर पूछा जाए हाउ मैनी एंटी नोड आर देयर बिटवीन सिक्स नोड, छः नोड के दरमियान कितने एंटी नोड हैं, तो ये एक एंटी नोड, दूसरा तीन चार पाँच, तो एंटी नोड पाँच होंगे। ठीक है, जिसके दरमियान पूछेंगे कि छः नोड के दरमियान कितने एंटी नोड हैं, तो वो पाँच एक हमेशा कम होता है। अगर कहें सिक्स एंटी नोड के दरमियान कितने नोड होते हैं, तो कितने होंगे, दरमियान इन बिटवीन हमेशा एक कम होता है, हमेशा एक कम होगा। छः नोड के दरमियान पाँच एंटी नोड और छः एंटी नोड के दरमियान पाँच नोड, इन बिटवीन दरमियान में हमेशा एक कम होता है, ये असूल होता है। आसान? ये एंटी नोड हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच एंटी नोड के दरमियान कितने नोड हैं, एक दो तीन चार, चार हैं। ठीक, पाँच एंटी नोड के दरमियान अब कितने नोड हो गए, चार, हमेशा एक कम होता है। इसकी जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर है, टोटल लेंथ इसकी एल के बराबर है, और नोड टू नोड फासला लैम्डा बाई टू होता है, लैम्डा बाई टू लेंथ एल के बराबर है, इसकी वेवलेंथ टू एल के बराबर है। अगर कहें कि एक तार है जिसकी लंबाई है दो मीटर और वह एक लूप बना रही है, कितनी वेवलेंथ होंगी इसकी, 2L, 2 मल्टीप्लाई टू 4 मीटर आ जाएगी। तो एक लूप में जो वेव लेंथ होती है वो लेंथ की डबल होती है, लैम्डा बराबर होगा 2L के। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है V ओवर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर लें V ओवर 2L, तो ये उसकी पहली फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी यही होती है और इसकी फर्स्ट हार्मोनिक भी यही होती है। ठीक है, अगर दो लूप्स हों, सेम तार है, दो लूप्स बन जाए, तो इसकी सेकेंड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 2F1 होता है। जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी होती है ये फर्स्ट ओवरटोन होती है, फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन नहीं होती। फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक सेम थिंग है, लेकिन जो पहली ओवरटोन होगी वो फंडामेंटल से आगे की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। सो फर्स्ट ओवरटोन इज़ द सेकेंड फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर तीन लूप्स बन जाए तो F3 का फार्मूला 3F1 होगा, मगर ये सेकेंड ओवरटोन है। ठीक है, F4 होगा 4F1, F5 होगा 5F1 अप टू सो ऑन। इसकी एन लूप का फार्मूला NF1 होता है। तो जब एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट फार्मूले हैं, इसमें फार्मूले काफ़ी याद करने हैं आपको। ऐसी स्टेशनरी वेव जो स्ट्रिंग में है जो दोनों एंड पर फिक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला NF1, उसकी वेवलेंथ का फार्मूला 2L/N होता है। अगर पांच लूप हैं, पांच लूप की आप वेवलेंथ मालूम करना चाहते हैं तो वो 2L/5 होगा, लेंथ गिवन होगी, आप वेवलेंथ मालूम कर लें। ठीक है, और इसकी स्पीड का फार्मूला होता है, जो तार है वाइब्रेट कर रही है,
किस स्पीड से वाइब्रेट कर रही है उसके डिपेंड किस पे होता है, तार में कितनी टेंशन है और तार की लेंथ क्या है, तार का मास कितना है। टेंशन लेंथ डिवाइडेड बाई मास। फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल वी बाई टू एल, वन बाई टू एल वी की वैल्यू ये फिट कर लें तो फंडामेंटल का फार्मूला ये भी आ जाता है, वन बाई टू एल टेंशन लेंथ ओवर मास। ठीक है, इसको यूं भी लिखते हैं वन बाई टू एल टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ। ये तार की मास डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट लेंथ होती है, और इसको सिंपल एम भी कहते हैं म्यू भी कहते हैं। तो अगर सिर्फ एम ही लिखा हो तो इस एम का यूनिट किलोग्राम नहीं होता बल्कि इस एम का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि ये मास नहीं है, मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ है। आर्गन पाइप स्टेशन वेव में आर्गन पाइप है जिसमें एयर की मदद से म्यूजिकल साउंड पैदा की जाती है। दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन पाइप और एक होता है क्लोज पाइप। जो क्लोज पाइप होगा वो एक साइड से क्लोज होता है, जहाँ भी ओपन पाइप का जिक्र होगा विच इज़ ओपन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इसको हम ओपन पाइप कहते हैं। जबकि ये है क्लोज्ड पाइप। इसकी एक लूप ऐसे बनती है, ये भी लैम्डा बाई फोर, ये भी लैम्डा बाई फोर, और इसकी फंडामेंटल का फार्मूला वही होता है वी बाई टू एल। जबकि इसकी पहली लूप ऐसे बनती है, ये नोड है ये एंटी नोड। याद रखिएगा ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड होता है, क्लोज एंड पर हमेशा नोड होता है। इसका ये क्लोज एंड है नोड होगा, ओपन एंड पे एंटी नोड होगा। इसके दोनों साइड ओपन है तो दोनों साइड पे क्या होगा, एंटी नोड। और इसकी फंडामेंटल का फार्मूला वी बाई फोर एल होता है। गोया दोनों के फंडामेंटल में किसकी बड़ी है, इसकी जिसके दोनों साइड ओपन है, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है एज़ कम्पेयर टू क्लोज एंड। तो सवाल आएगा अगर ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो सेम लेंथ के क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका हाफ कर लें 100 का 50, अगर 50 है तो 25, ठीक है, क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी हाफ होती है। अगर इसकी लूप बढ़ा दें, इसकी दो लूप कैसे बनती हैं, एक दरमियान में कंप्लीट और आधी इधर आधी इधर, इसका फार्मूला वही होगा 2F1, F3 is equal to 3F1, F4 बराबर होगा 4F1, up to so on, Fn is equal to NF1। ये इसकी फर्स्ट ओवर टोन है, ये सेकेंड ओवर टोन, up to so on। जबकि इसकी सेकेंड कैसे बनेगी, एक वेव कंप्लीट और एक आधी, तो ये दो नहीं होती, तकरीबन डेढ़ लूप बनती है, और इसकी सेकेंड की फ्रीक्वेंसी होती है 3F1। ये फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल सेम है, ये फर्स्ट ओवरटोन है। F3 की वैल्यू 5F1 होती है, F4 की वैल्यू 7F1, इसकी 5 फ्रीक्वेंसी 9F1। तो इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, इट हैज ओनली ऑड हार्मोनिक्स, इसमें सिर्फ ऑड आते हैं, इवन नहीं आते। इनके फार्मूले याद करेंगे तो इनके फार्मूले सेम है, चाहे स्ट्रिंग दोनों एंड पर क्लोज है स्ट्रेच स्ट्रिंग, चाहे दोनों एंड पर क्लोज हो या दोनों एंड पर ओपन हो, फार्मूले सेम है। चेंज कहाँ आती है, जहाँ एक साइड क्लोज है और एक साइड ओपन है, उसके फार्मूले फिर थोड़े डिफरेंट होते हैं। समझ आई?
छह लें। कुछ एम सी क्यूज चेक करते हैं तभी समझ आएगी। पढ़िया करो निकम में। In case of stationary wave, string vibrate for fifth harmonic whose speed is 25 meter per second. If fundamental frequency is 25, then find the wavelength for fifth harmonic. वेवलेंथ आर फिफ्थ हार्मोनिक। वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है? टू एल बाई एम। लेंथ गिवन है? लेंथ तो गिवन नहीं है। लेंथ कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए पहले आपको मालूम करनी पड़ेगी फंडामेंटल। एफ फाइव इज इक्वल टू फाइव एफ एन। एफ वन की वैल्यू एफ फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। फंडामेंटल भी गिवन है? फंडामेंटल तो गिवन है। तो फंडामेंटल होती है वी बाई टू एल। यहां से लेंथ निकालें। लेंथ इज इक्वल टू वी बाई टू एफ वन। स्पीड गिवन है 25 टू, और एफ वन की वैल्यू भी कितनी है? 25। तो लेंथ आ गई 1/2। ठीक है, लेंथ की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर तो लैम्डा 5 आएगा। इफ स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन एन पाइप produced in an open pipe is 30 meter per second,
एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ओवरटोन इज 15 हर्ट्ज़। That is length of pi. Speed given है and frequency of fourth over tone कितनी है 15 हर्ट्ज़। क्या लिखेंगे F 3 या 5 ओवरटोन हमेशा कम होती है। ये अगर पांचवी हार्मोनिक है तो ये चौथी ओवरटोन है। सो F 5 इज इक्वल टू 5 FN। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 15। फंडामेंटल होती है वी बाय टू एल। मालूम करिए यहां से लेंथ। सो लेंथ ऑफ पाइप इज 5 V डिवाइडेड बाय F5। तो ये है 2 भी तो है। लेंथ मालूम करनी थी ना। गड़बड़ हो गई। हमें चाहिए लेंथ। लेंथ ऊपर आ गया 5 V ऊपर और 2 F5 नीचे। स्पीड है 30 और F5 है 15, तो 5 मीटर आ गए। एक और है, व्हिच इज रेशियो ऑफ वेव लेंथ ऑफ स्टेशन वेव प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गन पाइप प्रोड्यूस्ड इन ओपन पाइप फॉर सेकेंड हार्मोनिक एंड सिक्स हार्मोनिक। रेशियो बताइए। बट रेशियो ऑफ वेव लेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन ओपन पाइप फॉर सेकेंड हार्मोनिक एंड सिक्स हार्मोनिक। लैम्डा 2 और लैम्डा 6 दोनों के रेशियो बतानी है। अब चूंकि ओपन है फार्मूला 2 L/N होता है, हार्मोनिक है तो यही नंबर लेंगे, 6 है तो 6, 2 है तो 2। तो वेवलेंथ n के इन्वर्सली होती है, लिहाजा लैम्डा 2 / λ6 का मतलब क्या है, N6/N2, 6/2। तो ये 3 रेशियो बना।
ये तो आसान था। चलो ये आखिरी करते हैं, अच्छा है मजे का। इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्टेशन वेव इन ए ओपन पाइप इज 100 हर्ट्स देन ओवरटोन ऑफ स्टेशनरी वेव इनक्लोज्ड बाय विल बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव इन ए ओपन पाइप इज 100 हर्ट्स। फंडामेंटल ओपन पाइप में कितनी है? 100। तो उसकी फंडामेंटल 100 है ओपन पाइप में। क्लोज पाइप में कितनी होगी? क्लोज पाइप में क्या होती है? हाफ हो जाती है, कम हो जाती है, 50 हो गई। अब इसकी, ये तो फंडामेंटल है, इसकी नेक्स्ट ओवरटर्न्स, नेक्स्ट हार्मोनिक बतानी है। इसकी पहली हार्मोनिक होती है 3F1, नेक्स्ट होती है 5F1, नेक्स्ट होती है 7F1, गोया 3 × 50 150, 5 × 50 250 एंड 7 × 50 350। तो डेल्टा ऑप्शन इज गुड। तो फर्क पता चला हार्मोनिक ओवरटर्न्स और ओपन और क्लोज पाइप का। चले, थैंक यू।